नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। काशी, मथुरा और अब आगरा, मंदिर मस्जिद पर घमासान जारी है। इतिहास से जुड़े दस्तावेज हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, दावे हैं तो अदालत के रास्ते भी हैं। किसी भी ढांचे के नीचे क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर का इतिहास क्या है, सबको बस इसी की तलाश है। विवादों की फेहरिस्त लंबी है और आज हम इन्हीं विवादों में छिपे हुए अनसुलझे सवालों का जवाब तलाशेंगे। दोनों पक्षों के बड़े चेहरे हमारे साथ हैं। कथावाचक और हिंदू धर्म गुरु देवकी नंदन महाराज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए देवकी नंदन जी महाराज का। और इसके साथ ही हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर और इतिहासकार भी हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर वेदव्रत तिवारी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री दिल्ली से इतिहासकार हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मेरे साथ हाजिक खान हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेरे साथ फजील अहमद हैं, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। और मेरे साथ कामरान मलिक साहब हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। और मैं चाहूंगा उतनी ही गर्मजोशी से एक बार फिर इन सब के लिए भी तालियां बजाए जाएं। तो आइए जरा चलते हैं ग्राफिक वाली वॉल पर और ग्राफिक वॉल पर देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये बातचीत, क्यों इतना बड़ा पैनल आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में है। आइए आपको जल्दी से ये बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और ये शास्त्रार्थ शुरू करते हैं। देखिए आज का एजेंडा क्या, शास्त्रार्थ से निकलेगा समाधान। आगरा जामा मस्जिद विवाद, ये विवाद बहुत बढ़ गया है बाबा बागेश्वर की बाइट के बाद। इसके अलावा मथुरा ईदगाह विवाद, ज्ञान वापी सर्वे विवाद, गुलाम नबी का बयान, यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदू राष्ट्र, जिसको लेकर बात थम नहीं रही है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज हम इस शो में बात करेंगे, जिन पर देवकी नंदन जी से सवाल पूछेंगे, तमाम जो यहां पर एक्सपर्ट है उनसे सवाल पूछेंगे और उनके बातों में से जो बातें निकलेंगी उनको भी यहां पर उनके उनसे जुड़े सवाल पूछेंगे। लेकिन सीधे चलते हैं देवकी नंदन जी के पास और पहला सवाल उन्हीं से। देवकी नंदन जी, आप कथावाचक हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपकी कथाएं देश विदेश में होती हैं। एक और बाबा हैं जिनके साथ आजकल आपकी बड़ी जुगलबंदी है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको बाबा बागेश्वर के नाम से कहा जाता है। और यह जुगलबंदी बड़ी सुर्खियों में है, अभी हाल फिलहाल में भी जुगलबंदी हमने देखी, तो क्योंकि उनके भी अपने कई सारे बयान हैं, आपके भी कई सारे बयान हैं, तो मैं पहला सवाल इसी जुगलबंदी से जोड़कर लेना चाहता हूं, आखिर इस जुगलबंदी का उद्देश्य क्या है जी? आपसे क्या पूछ रहे हैं, इस जुगलबंदी का उद्देश्य क्या है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो आपकी जुगलबंदी आजकल देखने को मिल रही है, इसका उद्देश्य क्या है? आजकल आप लोग देख रहे हैं हमारे जो भाव है और हम लोगों का जो भ्रातृत्व प्रेम है वो तो बहुत पहले से, 4-5 साल पहले से है। और अगर आप इसको आज के इस मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा इसका एक प्रमुख उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम लोग जितने भी भारत में जिस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वो अपने अपने धर्म का आदर करें, रिस्पेक्ट करें और किसी भी दूसरे के धर्म की डिसरिस्पेक्ट ना करें। और उसके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा, ईश्वरीय आराधना और हमारे पूर्वजों की के पूर्वजों के द्वारा की हुई ईश्वर की पूजा, उसमें भी और आने वाली पीढ़ी भी इस देश में असुरक्षित ना हो, यही हम लोगों का एजेंडा है और यही हम लोग चाहते हैं कि आज हम सुखी रहें, कल हमारे आने वाली पीढ़ियां सुखी रहें और सब इस देश का सम्मान गौरव ऊंचा करें, यहाँ कोई किसी को भी दुख न दे पाए, ऐसा कार्य, इस भारत का निर्माण ऐसा हो पाए, इसके लिए ये कार्य हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो उद्देश्य आपने बताया यहाँ पर। और क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र आया, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी 2 दिन पहले आपके साथ ही थे और उन्होंने क्या कहा है जब वो देवकी नंदन महाराज जी के साथ थे, ये सुन लीजिए। आगरा जामा मस्जिद पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा ये सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे हिसाब से तो वहाँ का जो विश्वनाथ जी के मंदिर का कार्य हुआ जैसे, वैसे ही यहाँ बाके बिहारी का कार्य अगर हो जावे व्यापक रूप से भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, अति कृष्ण भक्तों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में से भगवान कब आएंगे? बहुत जल्दी हमारे दादा भैया लगे हैं, पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री लगे हैं, भगवान
भूत भावन महादेव के पार्थिव शिवलिंग यह अनुष्ठान और अष्टोत्तर शत ब्राह्मण अष्टोत्तर शत पाठ श्रीमद् भागवत के मूल पारायण ब्राह्मणों द्वारा इसीलिए करवाए जा रहे हैं कि भगवान कन्हैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आए और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाए। सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाए। देखिए, मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर है, लेकिन मैं फिर भी देखूं नंदन जी आपसे एक और सवाल लूंगा। क्रिकेट में एक जोड़ी होती है, वो जोड़ी होती है जिसमें एक बैट्समैन स्ट्राइक लेता है, तेज खेल रहा होता है, और एक बैट्समैन पीछे होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। इस जोड़ी का स्ट्राइक बैट्समैन कौन है? अब ये धर्म की बात है, क्रिकेट जगत अलग है, धर्म की बात अलग है, देश प्रेम अलग है। हम तो ये दोनों कहेंगे, अगर आप हम दोनों के ही बयान और हम दोनों का ही कर्म क्षेत्र देखेंगे तो शायद स्लो पिच पे कोई खेलना नहीं चाहता है। अच्छा, हम यही चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने जिस देश के लिए, जिस धर्म के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उस पर अब स्लो खेलने का, आराम से खेलने का समय नहीं रहा है। तो अब तो ये हो जाता है ना कि अब तो 2020 का जमाना है, तो यहाँ हर एक बैट्समैन को तेज शॉट खेलना ही पड़ेगा, जिसके कारण हमारे आने वाले जितने भी वर्ल्ड कप हैं सब हमारे नाम हो सके। ठीक है, तो साजिद रशीदी साहब ये तो T20 खेल रहे हैं, आप क्या इनकी T20 के लिए तैयार हैं? वो कह रहे हैं कि स्लो पिच में हम नहीं खेलना चाहते। नहीं, हम तो इनको अपना मुखालिफ मानते ही नहीं, हम इनको मुखालिफ टीम नहीं मानते। जैसा इन्होंने, आप मुखालिफ टीम नहीं मानते इनको? नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने अभी कहा है कि हम आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि सब तो आगे भी आप मुखालफत नहीं करेंगे इनकी? मैंने कब मुखालफत की है? अगर ये कुछ अभी बोलेंगे तो आप मुखालफत नहीं करेंगे? नहीं, क्या मैंने कभी की है मुखालफत, बताओ आप मुझे। नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ, मैं कब किया क्या नहीं किया उसको मुखालफत का ना। ये आगरा जामा मस्जिद विवाद आपको पता है, ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्तियां दबी हुई हैं, ये पता करना चाहिए, क्या आप इसकी मुखालफत करते हैं या नहीं? साहब, इसको मुखालफत थोड़े कहते हैं, ये तो वाद विवाद है, ये तो आपस में ये भी तर्क दें, हम भी तर्क दें। और वाद विवाद मुखालफत थोड़े कहते हैं। मुखालफत क्या होती है? मुखालफत का मतलब तो दुश्मनी हो गई, इसके माना मुखालफत मतलब उनका मुखालफत मतलब विरोध करना। नहीं नहीं, विरोध अलग चीज है, मुखालफत अलग चीज है। आप मतलब बदलिए, मुखालफत का मतलब है दुश्मनी। ठीक है, नहीं दुश्मनी तो हम नहीं चाहते, ठीक हो सकता है कि विरोध अगर तर्क के साथ हो उसे दुश्मनी नहीं कहते। तो आप इनकी, तो आप इनका तर्क क्या है आपके इनके इस मांग के पीछे? नहीं, इनका अपना तर्क है, हमारा अपना तर्क है। आपका तर्क क्या? सवाल करेंगे तो हम भी अपना तर्क। मैं पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं अगर अभी आपने सुना बाबा बागेश्वर क्या कह रहे थे जी? बाबा बागेश्वर कह रहे थे कि राम मंदिर की तर्ज पर मथुरा में भी अब जो बाबा हमारे दादा भैया जो मुहिम लेके चल रहे हैं, आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कृष्ण भगवान की मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को का पता करना चाहिए, यही कह रहे हैं आप? पता करना चाहिए उन मूर्तियों का? पता करना चाहिए, केस किया हमने तो, केस किया आगरा में। बाबा बागेश्वर क्या कहते हैं? नहीं, ये बाबा बागेश्वर ने ये भी कह रहे हैं, सुनिए, बाबा बागेश्वर के बयान तो ऐसे भी हमारे सामने आते हैं कि साहब जो औरत सिंदूर नहीं लगाती, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, उसको खाली प्लाट मानो, वो तो ये भी कहते हैं। अब उनके इस बयान को क्या माने हम, बताओ? उनके बयान को हम सीरियस नहीं लेते। चलिए मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, बोलिए। इस बात पे मैं थोड़ा जवाब दे दूँ, जब भी हम लोग कथा करते हैं तो कथा 3, 3.5, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे करते हैं, और 6 घंटे में कोई एक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है धर्म से संबंधित। शायद इसको आप लोग जो कुरान में प्रवचन देते हो, जिसको भी कुरान में जो भी बोलते हो, तो वो 1.5-2 घंटे की बातें होती है, उसमें 30 सेकंड से हमें कोई मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए। हम 4 घंटे कॉन्टिन्यूस लाखों लोगों के बीच में बोलते हैं, और हम 4 घंटे बोलते, हम बिना पानी पिए बोलते, और इसलिए बोलते कि ठाकुर जी हमसे बुलवाता है। तो 4 घंटे में अगर हम लोग एक कोई चीज समझाना चाह रहे हैं धर्म के संदर्भ में, तो उसमें 2-3 चीजें अगर ऐसी कोई बात बोली गई है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस पूरे कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ें कि उसका मतलब क्या था, हम समझाना क्या। नहीं, आप एक बार इनको ये समझा दीजिए, एक बार इनको ये समझा दीजिए कि आगरा की जामा मस्जिद को लेकर आपकी मांग क्या है। तो देखिए, मैं आपको, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और मैं आपको बता दूं, हमारे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे। दुर्योधन से ये कहा था कि भैया तुम एक काम करो, भाई भाइयों लड़ाई मत करो, तुम एक काम कर लो, तुम उन्हें आधा राज्य दे दो। बोले आधा राज्य मैं नहीं दे सकता। बोले कोई बात नहीं, तो वो कुछ 5 नगर दे दो। बोले वो भी नहीं दे सकता। फिर कहा कि भैया 5 गांव दे दो। बोले मैं वो भी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा 5 घर ही दे दो, महल ही दे दो। बोले मैं वो भी नहीं दे सकता। तो अंत में उसने कहा बिना युद्ध न के सब, मैं बिना युद्ध के कुछ दूंगा ही नहीं।
हमने यही युद्ध जरूरी है इसका मतलब नहीं नहीं अभी रुक जाओ, आप बीच में फिर वही प्रॉब्लम है। नहीं नहीं मेरा निवेदन है जब आप बोलेंगे मैं आपको वादा करता हूँ मैं नहीं बोलूंगा, जब आप खत्म कर लेंगे तभी बोलूंगा, लेकिन मुझे बीच में ना रोकें। मेरा आग्रह यह है, युद्ध ही तो है, कोर्ट में चले गए, जाना पड़ा कोर्ट में, जाना पड़ा ना, क्यों जाना पड़ा? मेरे भगवान श्री कृष्ण को अगर इतिहास ये कहता है कि उनकी छवि को मथुरा से ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया, अगर इतिहास ये कहता है और अगर मैं कृष्ण की कथा करता हूँ, ये कृष्ण की पूजा कभी ना कभी तो इन्होंने की होगी, और मैं ऐसा मानता हूँ एज फॉर एज माई नॉलेज इन लोगों के पूर्वजों ने भी कभी ना कभी कृष्ण के आगे माथा टेका होगा। अब अगर माथा टेका है और उन्हीं कृष्ण की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे गाड़ दिया गया और आज भी उसके ऊपर होके जा रहे हैं, तो मैंने तो कहा था भाईचारे के नाते कि बैठो भैया, हम लोग ऐसे आजकल मशीन हैं जिनसे हम लोग ऊपर से ही पता कर सकते हैं कि कुछ है कि नहीं अंदर, खोदने बोदने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही पता कर सकते हैं। अब ऊपर से अगर पता करेंगे तो उसमें नुकसान तो किसी का होना ही नहीं, ठीक है। तो जब ये बात नहीं मानी गई, उसके लिए 5 दिन दिए गए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर कोर्ट में हमने केस डाल दिया कि भैया हमें ये बात का पता करो कि हमारे भगवान है कि नहीं, अगर हैं तो वो भगवान हमें हमारे वापस दो। सर साजी दर्शी दी, अभी नहीं, अब आपका नहीं, अभी 10 सेकंड। यही दावा जो इन्होंने किया है जामा मस्जिद आगरा के लिए, यही दावा चक्रपाणी महाराज ने जामा मस्जिद दिल्ली के लिए किया है कि साहब वहां भी मूर्तियां रखी हुई है, इनकी बात को सही माने, उनकी बात को सही माने, ठीक है। ये अब अभी जवाब देंगे, देखो नंदन जी, एक मिनट जवाब दीजिएगा, एक मिनट, मुमताज आपके पास भी आ रहा हूँ सर, मुमताज आलम रिजवी जो ये कह रहे हैं कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के का सर्वे हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि उसके नीचे मूर्तियां हैं कृष्ण भगवान की, भगवान केशव देव की या नहीं, आप इस मांग को कैसे देखते हैं? देखिए मुझे लग रहा है कि जब ये कथा करते हैं तो बहुत अच्छी कथा करते हैं, लेकिन कई बार जब ये सियासी बातें करने लगते हैं तो ये अपने ट्रैक से अभी लग रहा है कि हट जाते हैं। जहाँ तक वहाँ पे मूर्ति है नहीं, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो मथुरा है हमारा या काशी है या अयोध्या, इसकी पहचान जो है, अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से है, और मथुरा की पहचान वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से है, और पूरी दुनिया में यही पहचान है, कोई मस्जिद से पहचान मथुरा की नहीं है। फिर अगर एक मस्जिद वहां पे बन गई भाईचारे के नाते, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे भाई, अभी आपने कहा कि हमें एक घर दे दो, हम आपसे कह रहे हैं कि एक मस्जिद रहने दो वहां पे, कौन सी उसमें परेशानी है? वहां उस मस्जिद के होने से क्या भगवान श्री कृष्ण पे कोई आँच आ रही है? क्या उनको कोई नुकसान पहुँच रहा है? क्यों आप वहाँ पर तलाश कर रहे हैं? और फिर जब हम आज चाँद का सफ़र कर रहे हैं, हम चाँद पर तलाश कर रहे हैं ज़मीन, आप जो है ज़मीन खोदे पड़े हुए हैं कि जमीन खोद करके देख लीजिए, तो चांद का सफर कीजिए ना, कितनी अच्छी बात है कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वहां पे जा रहा, हम वहां नहीं देख रहे हैं, मतलब चांद पर जमीन ढूंढिए, मस्जिदों में मंदिर मत ढूंढिए, आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं चांद पर जमीन ढूंढिए, मस्जिदों में मंदिर मत ढूंढिए, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि एक अगर जवाब, एक मिनट गुरु जी से, कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपने बड़ी अच्छी शुरू में बात की, तो आप देखिए कि जितने सबसे ज्यादा नजीर अकबराबादी ने भगवान श्री कृष्ण पे नज़में लिखी हैं, वो आज भी मंदिरों में गाई जाती हैं, तो ये तमाम चीज़ों को देख करके मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जैसा कि भगवान कृष्ण किया था कि एक मस्जिद तो वहाँ एक रहने दो, भाईचारा चलने दो, क्या परेशानी, क्यों भाईचारा नहीं चाहते आप? मैं हाँ, मैं गारंटी से कहता हूँ जितना भाईचारा मैं चाहता हूँ इनमें से कोई नहीं चाहता होगा। ये गारंटी कैसे आप कर सकते हैं? ये गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? अभी अभी जस्ट शुरुआत हुई है, ये मुखालफत पे आ गए। नहीं 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 नहीं, मैंने भाईचारे, आप नहीं आए तो वो आ गए, मैंने शुरुआत ही भाईचारे से, तो ही आ गए। अच्छा देखिए सुनिए, हमने भाईचारे से ही शुरुआत की थी जी, आपने भी, आप कैसे जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है? अभी जी 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 नहीं, अर्ज कीजिए जी, बोल रहे, आपने एक इल्जाम बड़ा लगा दिया ना, शुरू हो जाने दो, आपने कह दिया ये भाईचारा नहीं चाहते, अब ही शुरुआत हो जाने दो, सब आप ही के मुंह से आ जाएगा कि आप कितना भाईचारा चाहते हैं। अरे इसका क्या मतलब हुआ? अब मेरी बात सुन लो, मैं उनका जवाब दे दूं थोड़ा सा। भाईचारे का मतलब ये है कि हम मस्जिद दे दें? नहीं नहीं नहीं, आप उस मस्जिद को ना रहने दो, ये तो भाईचारा है। अगर आप वो मस्जिद तोड़ लो बाबरी मस्जिद की तरह, तो फिर हम कहें कि भाई क्यों तोड़ रहे हो, तो ये भाईचारा नहीं है। ठीक, आप जवाब, ये आप जवाब, आप जवाब, आप जवाब, देवकीनंदन जवाब। बड़ी बात है, भाई साहब ने कहा कि एक मस्जिद रहने दो, अभी तक रही है, अभी तक रही है,
प्रश्न यह है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और जिस स्थान पर ईदगाह है उसी स्थान पर वो कंस की कारागार है, ऐसा इतिहास कहता है। ठीक, वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। भाईचारे की बात ये कर रहे हैं, तो जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वहां आज कोई भी कृष्ण प्रेमी जा नहीं सकता, वहां पुलिस वालों ने उनको रोक के रखा हुआ है कि जन्म स्थान पे आप नहीं जाओगे, जो बाहर पूजा का स्थान बना रखा आप वहां जाएंगे। कोई भी कृष्ण प्रेमी कितने सालों से उस प्रमुख स्थान पर जाकर भगवान श्री कृष्ण को नमन नहीं कर सका। हमें इनकी मस्जिद से कोई तकलीफ नहीं है, आज तक थी नहीं, आगे होगी नहीं। मैंने एक बार टीवी चैनल में कहा था, मथुरा अयोध्या काशी यहां हिंदुओं का प्राण बसता है, एक जगह शिव, एक जगह राम, एक जगह कृष्ण, ये तीनों हिंदुओं के प्राण हैं, ये तीन जगह आप हमें दे दो, तीन जगह हमें मंदिर बनाने दो, हम तुम्हें 300 मस्जिद बना के देंगे। ऑन रिकॉर्ड कहा था मैंने, मैं आपके पास अभी मेरा जवाब हो जाए, ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड कहा था और ये राम मंदिर पर निर्णय आने से पहले कहा था। आज भी इस स्थिति में कोर्ट से ही ऑर्डर आया राम मंदिर का, आपने भाईचारा नहीं निभाया। वो ऑर्डर नहीं है, अब मेरी बात, एक वो समाधान है, नहीं बहुत समाधान है, ऑर्डर नहीं है, ऑन मेरिट ऑर्डर नहीं है। अगर ऑन मेरिट ऑर्डर आता तो शायद जगह मंदिर के हक में फैसला नहीं आता हूँ आपको, जो उसके अंदर जो है कहते हैं खोदने के बाद में जो मूर्तियां पाई गई हैं वो गौतम बुद्ध जी की पाई गई हैं, जो है श्री राम जी की जो है नहीं पाई गई, तो वहां पर श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं सर, तो फिर बुद्ध का जगह मंदिर बनना चाहिए। एक मिनट सर, ये एक मिनट कामरान साहब, उस जो कामरान साहब आप जा रहे हैं कांग्रेस नेता के उस बयान पर जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया वो सेंटिमेंट्स पर आया, फैक्ट्स पर नहीं आया, ये आप उस पर जा रहे हैं। हमें सर, हमें तो इतना कानून पता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आता है वो फैसला होता है, लेकिन एक मिनट उस पर आएंगे, इसलिए वो कांग्रेस पे क्यों ले जा रहे हो, उस मुद्दे पर आएंगे, सारी दुनिया जानती है, उस मुद्दे पर आएंगे सर, एक मिनट, उस मुद्दे पर आएंगे, अब अपनी बात सर एक एक करके बात करेंगे तो जल्दी बात पूरी जाएगी, जल्दी बात पूरी कीजिए। नहीं आप सर एक मिनट बार उधर ही मौका दे रहे हो, हमें भी तो बोलने दो। अरे महाराज आप पांच है वो एक है, उनकी बात पूरी होगी तब होगा। नहीं ऐसा नहीं, साजिद रशीद आप पांच हो रहे, साजिद रशीद साहब बीच में नहीं टोकेंगे, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। क्यों ले जा रहे हो आप इसको, पांच है आप तो उधर मौका ज्यादा जाएगा, इधर पांच हैं इधर मौका कमाएगा, ये जाहिर सी बात है, कम हो जाते हैं, दो उठ के चले जाते हैं। रुकिए आप, मैं मौका दूंगा, नहीं डिबेट मैं चलाऊंगा आप नहीं चलाएंगे, ये कोई तरीका, मैं मौका दूंगा आपके पास आऊंगा, पांच है हमें, रुकिए जल्दी जल्दी, अरे हम बताते हैं सर, एक एक करके आते हैं सर, आ रहे जल्दी बात पूरी कीजिए। मैं आपसे ही बात, आपने ये बहुत अपनी बात पूरी कर ली, आप ही ने बात शुरू की है, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, क्या आप अपना जन्म स्थान बदल सकते हैं? ठीक है, एक मिनट हाजी खान साहब, बिल्कुल इन्हें पता ही नहीं इनका जन्म स्थान कहां पर है। एक मिनट आपका जन्म स्थान बदल सकते हैं अब, ये तो मुझे नहीं पता किस जगह कौन से हॉस्पिटल में ऐसा, तो वन टू वन हो जाएगा ना, हमारे इतिहास में हमारे पुराणों में हमारे भगवान के, आपस में बात मत कीजिए, देखिए नंदन जी आपस में बात मत कीजिए प्लीज, कामरान सर आई रिक्वेस्ट यू, मिस्टर कामरान आई रिक्वेस्ट यू, जब मैं आपके पास आऊंगा तो प्लीज बोलिएगा सर। हाजी खान साहब देखिए स्वामी जी, देश हमारा संविधान से चलेगा, जब मुल्क आया हुआ था 47 में, उसके बाद जब हमारा संविधान बना, और अरे वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप अपना जन्म स्थान बदल सकते हैं, इस बात जवाब आएगा उसमें, हाँ। आएगा उस संविधान से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला राम मंदिर पे कहा उसमें 97 पेज पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे दुनिया का इतिहास हिंदुस्तान का नहीं, खून से रंगा हुआ है, और हिंदुस्तान में उससे पहले जब मुसलमान नहीं आए थे तो जो आराध किसी हिंदू उसके होते थे, जब वो पराजय हो जाती थी उसकी, तो उनके सारे मंदिर तोड़ के जिस जो जो विजयी होता था वो अपने मंदिर बनाता था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, और उसने 97 पेज पर कोटिंग की है कि हम पुराने इतिहास को, हम पुराने 400 साल पुरानी चीज़ों को इस सुप्रीम कोर्ट इसको फल नहीं कर सकता। रही बात कि इस मथुरा के अंदर आज से 55 साल पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच एक पंचायत हुई थी, उसमें फैसला हुआ था कि ये 2.5 एकड़ जमीन मस्जिद की और 13.5 एकड़ जो है, 13.5 नहीं 10.5 एकड़, 11.5 एकड़ जो है वो मंदिर के लिए। तो जब हमारे बीच में एक
हमारे बुजुर्गों ने तय किया और हमने उसे माना, हम मानते चले आ रहे हैं, ये क्यों नहीं मान रहे? हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान 75 साल से भाईचारे से रहते आ रहे कि रामड़ों की बस्ती में राम, अभी आपने इतना बोल लिया, मैंने नहीं टोका, एक मिनट हाजी खान, आपने इतना बोल लिया, आपने इतना बोल लिया, और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा है, मुश्किलें जब आई हैं दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा रहीम भी, हिंदुस्तान में रहने वाले 97% मुसलमान भी कन्वर्टेड है हिंदुओं से, इसलिए उनकी भी आस्था हो सकती है, आप इस पर जाकर आज फैसला नहीं कर सकते, आस्था पे आज फैसला संविधान, मतलब वो जो कह रहे थे अभी कि कभी आपके पुरखों ने भी कृष्ण की पूजा की होगी तो वो सही कह रहे थे, अभी जो कह रहे थे वो, अगर वो हिंदू होंगे तो की होगी, उसमें क्या परेशानी है, ठीक है, लेकिन जब मुसलमान हो गए तो अब हमारे ये इला इला इल्लल्लाह पे हम मानने वाले हो गए, एक अल्लाह की पूजा करने वाले, मैं आप उस सवाल पर नहीं आए जो मैंने बोला कि क्या आप अपना जन्म स्थान बदल सकते हैं, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, आस्था है, ऐतिहासिक तथ्य, बस ये कृष्ण जी से बस, स्वामी जी बस, से बस, ये बस, 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 ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर जो उनका मेरे साथ एक हिस्टोरियन है, जन्म हुआ कितने खान साल पहले हुआ, अजय खान साहब, कौन से तथ्यों से, वो कौन से रिपोर्टिंग है, वो कौन से कागज, एक मिनट, रुक जाइए अजय खान साहब, अजय खान साहब, अजय खान साहब रुक जाइए, मैं जवाब दे, नहीं नहीं एक मिनट सर, सर नहीं नहीं अभी आप नहीं, अभी आप नहीं, अभी आप नहीं, बाबरी मस्जिद, अरे रुकिए, साथ साथ मत बोलिए, हमारे साथ एक हिस्टोरियन है वेदव्रत तिवारी साहब, ये फैक्ट है या ये केवल मान्यताओं पर आधारित है कि मथुरा में जहां पर इस वक्त शाही ईदगाह मस्जिद और भगवान कृष्ण का मंदिर है वहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था या नहीं, बताइए इतिहास क्या कहता है? बिल्कुल हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं देखिए मैं इतिहास की बात कर, इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहासकार हूँ, ये सारे प्रमाण जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में जो उस समय के जो उसके समकालीन दरबारी जो इतिहास लेखक थे, क्रोनोलॉजिक थे, उन्होंने दिया हुआ है, खास करके इसमें आप मसवा आलमगिरी देखें, शाकी मुश्ताक खान साहब ने जो लिखा हुआ है वो हूबहू वही लिखा हुआ है कि 1669 में बादशाह सलामत ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने की हुक्म तामील किया और 1670 में मथुरा में मथुरा के मंदिर को तोड़ा गया क्योंकि उस केशव राय ने उस मंदिर को बनवाया था, वो केशव राय मंदिर का, और वहाँ पर हुआ क्या था कि मथुरा के उस समय के सूबेदार की हत्या कर दी गई और इसके रिटेलिएशन में औरंगजेब ने ऑर्डर किया कि आप वहाँ की जो मंदिर है जो कृष्ण जन्म का स्थान है उसको तोड़ा जाए और उसी जगह पे फिर शाही, नहीं तो ये कहीं कहीं के अखबार से आप ये बताएं कि कृष्ण का जन्म जन्म को कितनी सदी पहले हुआ, कितने हजार साल पहले हुआ, सर इतिहास के अखबार से बताएं, अरे सर आपस में बात मत करिए, कानून इतिहास को मानता है सर, कानून इतिहास को मानता है, क्या बात, इतिहास आपस में बात मत करिए, आपस में बात मत करिए, एक मिनट आपस में बात मत करिए, कैमरा सर मैं आ रहा हूं आपके, एक एक करके अंग्रेजी लोग हो गए आपके पास भी आऊंगा, नहीं वेदव्रत तिवारी वो कह रहे हैं कि इतिहास क्या ये बताता है कितने साल पहले यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी जगह हुआ था, कोई फैक्ट है हमारे पास? देखिए बहुत मैं एक सिंपल लाइन में इसका आंसर देना चाहता हूँ, इतिहास का जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो इतिहास उसको कहते हैं इसके लिए हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज हो, जैसे कोई उस समय कोई बर्तन मिले, सामान मिले या लिटरेचर मिले, लिटरेचर तो हमें मिलता ही है, लिटरेचर हमारे पास ही है, अब उस लिटरेरी टेक्स्ट को यानी जो साहित्यिक स्रोत है, चाहे वो रामायण महाभारत भागवत पुराण जो भी है, जैसे हमने बहुत दिनों तक नहीं माना कि ये महाभारत के बारे में, बाद में प्रोफेसर बीबी लाल ने महाभारत की जितनी साइट्स थी अब दिल्ली और आसपास के जो इंद्रपथ हो, मतलब आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक तथ्य है, बिल्कुल ऐतिहासिक है, अभी अभी आपका सवाल छोड़ा नहीं है मैंने, अजय खान साहब आपका सवाल छोड़ा नहीं है, देवकी नंदन जी क्या सबूत है कि वहां भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, पूछ रहे कितने हजार साल पहले, बताइए, नहीं पहले तो आप ये बताओ आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? बिल्कुल जब दुनिया में आए तो पैदा हुए, नहीं हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल पैदा हुए, मैं आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बोलते हो बीच में भाई, अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जब तक सामने थोड़े पैदा हुए उनसे, वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, देखिए प्रॉब्लम यह है कि जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ और जब वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा प्लीज, अब प्रश्न भी मुझसे ही संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण आए कि नहीं आए, आए तो कितने साल पहले आए, सवाल आए थे लेकिन कितने हजार साल पहले आए, मुझे अब सब मैं अभी बताऊंगा, अरे मैं ही बताऊंगा, मुझसे ही संबंधित है क्वेश्चन, जी जी बिल्कुल, आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, मानते? आप अपनी बात कही, अरे मुझे आप बताओ सही प्रकट हुए, आप कह रहे पैदा हुए प्रकट हुए दो चीजें हो गई ना, पैदा होना प्रकट होना दोनों अलग अलग, मैं बताता हूँ, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में
वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं, और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जहां आज आपकी ईदगाह है वही कंस का वो कारागार था जहां देवकी और वसुदेव को रखा गया था। ये सिर्फ आपकी काल्पनिक और आस्था की बात है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। मैं आस्था के आपकी आस्था मानना है, लेकिन पेपर के अस्तबार से 2,500 साल पहले कापी पेपर तैयार हुआ तो 5,500 साल की खबर आप पर कैसे आई? मेरी बात सुनो, देखो बीच में बीच में मत छोड़ो, नहीं तो मेरी बात रह जाएगी। आपने कभी भागवत का अध्ययन किया है? भागवत पढ़ी आपने कभी? नहीं पढ़ी। सुनी है कभी? हाँ सुनी है। सुनिए, हमारे आर्यन आर्य टीचर थे, वो हमें टीचर की बात मत सुनाते थे और ये कहते थे ये काल्पनिक बातें हैं, इसमें सत्यता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, पहले कौन क्या कहते थे? आर्यन आर्य हमारे टीचर थे, वो पढ़ाते थे, और हमने जितनी महाभारत और गीता सुनी है उन्हीं से सुनी। अच्छा हाजी खान साहब, एक मिनट, देवकी नंदन जी एक मिनट, आप बोलिएगा जनता क्या सोचती है इस बारे में, मैं वो पूछ लेता हूँ। मैम बोलिए, आप क्या सोचती हैं? माँ को एक वरदान होता है, अगर उसके पेट में कोई बच्चा आ गया, आक्रांता का आ गया, चोर का आ गया, डाकू का आ गया, 9 महीने अगर उसने उसको पाल लिया, वो प्यार से पैदा कर ही देती है। आप कैसी बात करते हैं उस जमाने के बारे में? ठीक है मैम, वो तो कह रहे हैं मस्जिद अक्सा पर तो आपकी श्रद्धा है, मस्जिद अक्सा को तो आप मानते हैं, आप तो यहाँ नहीं रहते हैं और हमारे धन के बारे में प्रश्न उठाते हैं। हम नहीं मानते मस्जिद अक्सा को, हम नहीं, आप उनको या आपको खा जाएंगे। मस्जिद अक्सा कानून को मानते हैं, झगड़ा चल रहा है, ठीक है ठीक। एक मिनट, भारतीय संविधान, बोलिए बोलिए, आपस में बात नहीं, आपस में सर सर बात नहीं, एक मिनट। आज आप इतिहास को और ऐतिहासिक तथ्यों को जिस तरह नकार रहे हैं, इसको छोड़े, हो सकता है 4 पीढ़ियों बाद आपको भी कोई नकार दे, क्या आप थे ही नहीं? ठीक है चलिए, ऑब्वियस है क्या सवाल? एक मिनट, कामरान साहब आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप कि आप अक्सा मस्जिद को नहीं मानते? यहाँ पे बहुत सारे, मैं वोटिंग करा लूंगा, वो कह देंगे कि तब आप, मतलब ये मैं आई एम मतलब ओवर है, मैं यहाँ पर जो है एक कानून के ज्ञाता होने के नाते आया हूँ जी। मंदिर और मस्जिद मेरे लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है, मुझे जो है संविधान और कानून की जो है कहते हैं इस वक्त हिफाजत करनी ठीक है। यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो इतिहास को, कानून को, आस्था को, सबको मिला दिया गया है। इतिहास जो है वो आस्था जो है वो इतिहास नहीं हो सकती, जो इतिहास है वो कानून नहीं हो सकता। आप इतिहास को जो है एविडेंसेस के तौर पर जो है कहते कोर्ट के अंदर पेश करेंगे तो क्या आप जो है कहते केस जीत जाएंगे मंदिर का? किसी भी हाल में नहीं जीतने के। आप जो है बाबरी मस्जिद को केस नहीं जीत पाए। जितने भी केसेस हैं मैम, प्लीज रुकिए ना, वो बोलने दीजिए उनको। जितने भी केसेस हैं इस वक्त पेंडिंग मस्जिद और मंदिर से जाके थे विवादित, सबके अंदर जो है जो एविडेंसेस हैं, जो ओरिजिनल एविडेंसेस हैं, उनको एप्रिशिएट किया जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं, एविडेंस कैसे मिलेगा कामरान साहब जी? एविडेंस कैसे मिलेगा? एविडेंस जो है आपके जो है रिकॉर्ड के अंदर होते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर किसी के एविडेंस रिकॉर्ड में नहीं है तो वो एविडेंस कैसे मिलेंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो यू विल लूज द केस। I'll go to the court. आप कोर्ट में एक मिनट सर रुकिए, नहीं किए जा सकते एविडेंस क्रिएट, नहीं किए जा सकते एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, क्रिएट नहीं किए जा सकते, ढूंढे जा सकते हैं। एक मिनट हाँ, यहाँ पर मान लीजिए 2 एविडेंसेस हैं, पूरा जगत है, आप जगत जो सर मैं लंबी बहस करूंगा तो बहुत हो जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप ज्यादा बहस अच्छे से करते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल पर रहिए, एविडेंस क्रिएट नहीं की जा सकते लेकिन क्या एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं? जो एविडेंसेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं और ढूंढे हुए एविडेंसेज में फर्क है, ढूंढे हुए एविडेंसेज सर मैं उस पे नहीं जा रहा कि फर्क है नहीं, एविडेंस ढूंढ सर, एविडेंस डाउटफुल हो सकते हैं जिनकी आप बात कर सर, ये डाउट कौन क्लियर करेगा? एएसआई का एक मिनट आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो वो होता है इंस्पेक्शन होता है वो इतने स्ट्रॉन्ग जो कहते एविडेंसेज नहीं होते जितने जो है ऑलरेडी एविडेंस। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, एविडेंस अगर ढूंढे जा सकते हैं तो एविडेंस कैसे ढूंढे जाएंगे? सर्वे करके ढूंढे जाएंगे, जांच करके ढूंढे जाएंगे? आप तमाम मुस्लिम पक्ष और ज्ञानवापी में जो सर्वे हो रहा है उसके खिलाफ है। पक्ष में जोड़िए, नहीं तो आप नहीं जोड़ रहे, मुस्लिम पक्ष तो उसके खिलाफ है ना? नहीं, वो मस्जिद कमेटी और चलिए मंदिर का। एक मिनट, देवकी नंदन जी एक मिनट, फाजिल अहमद
फजील अहमद साहब, एविडेंस कहाँ से ढूंढे जाएंगे? बता रहे आप, हाँ। इसी आप ही के स्टूडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य आके बोले कि केदारनाथ धाम बौद्ध मठ है, तो दे दीजिए उनको बौद्ध मठ, उनका भी एविडेंस ढूंढ लीजिए। और इतना ही नहीं, और देश की 20,000 मंदिरों को वो कह रहा है कि बौद्ध मंदिर तोड़ के बनाए गए। तीसरा, बाबरी मस्जिद जब खुदाई राम मंदिर की जब शिलान्यास हो रही थी, उसको भी कुशीनगर एएसआई के सर्वे के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, एएसआई ने कहा हाईकोर्ट में कि कुशीनगर जैसा अवशेष मिल रहा है, बौद्ध स्थल मिल रहा है, तो आपने बौद्ध स्थल क्यों नहीं दे दिया? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद कह रहे हैं कि 20,000 मंदिर है बौद्ध स्थल है, तो उसको दे दिए केदारनाथ धाम को? जवाब दीजिए। देखिए, मुझे आपने बुद्ध धर्म के ऊपर और हिंदू और बुद्धों के ऊपर ये बहस नहीं बुलाई, पर मैं इन लोगों के, मतलब स्पेशली भाई साहब जो बोल रहे हैं, बहुत अच्छी रणनीति है ये कि इनको आपस में लड़ा दो। अब ये रणनीति का सवाल नहीं है, भारत में पैदा हुए, पूरी दुनिया में फैल गए और उसको आप खत्म कर रहे हैं। मेरी बात नाम बता रहे राजा का, अरे हमारी बात सुनो, मित्र राजा ने तोड़वाई नहीं। अरे हमारी बात, राजा शशांक ने 8वीं शताब्दी में राजा शशांक ने 20,000 बौद्ध मंदिरों को तोड़वा के हिंदू मंदिर बना दिया। ठीक है, आप लोगों ने अपने फैक्ट रख दिया, अब उनको बोल लेने दीजिए। इतिहास है, इस इतिहास को आप क्यों फुलाना चाहते हैं? अजील साहब, आपने बोल दिया ना, आप बताइए देवकीनंदन जी। आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर एक एक करके करो, एक एक करके करो और इतिहास के मुताबिक ही दूंगा। कर ही क्यों रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ बहस क्या है, आप उनसे क्यों सवाल? यहाँ पर बहस क्या है? आपसे सवाल करें, आप जवाब दो। बात उनसे अधिकार की है ना, बात अधिकार की है, अधिकार मेरी बात सुनिए ना। तो फजल भाई, आप मेरी बात सुनिए, सवाल ही मत करो ना, आप क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने सवाल करें तो जवाब दे दो। मौलाना साजिद रशीदी, आप आ जाइए यहाँ, मैं चला जाता हूँ। आप सवाल, आप यहाँ आके डिबेट करा लीजिए। नहीं सर, आपको गेस्ट के तौर पे बुलाया है, आपको गेस्ट के तौर पे बुलाया है, आप गेस्ट के तौर पे बात करें। जवाब नहीं दे रहा मैं उनका जवाब। अरे तो आप फजील साहब को बताएंगे कि वो किसका जवाब दे, किसका सवाल दे? सवाल करो, क्यों करें हम इनसे सवाल? आप सबकी, सबका ठेका आपने लिया हुआ है, वो कह रहे हैं एक एक करके सब क्यों कर रहे हैं? अरे आप मत करो, आप सुनते रहो, इन सबके प्रवक्ता हैं आप, मत करो, आप सुनते रहो। बोलिए, मैं, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सर, प्लीज। मेरी बात यह है कि यहाँ पर बात हो रही है जामा मस्जिद की सीढ़ियों की, यहाँ पे बात हो रही है कृष्ण जन्म भूमि की। अब कृष्ण जन्म भूमि में आपके कुरान के मुताबिक, आपके धर्म के मुताबिक कौन सा पीर आया था मुझे? हाँ बताइए, बिल्कुल बता रहे, बताइए। रामायण में, रामायण नहीं, सुन लीजिए, वहीं से शुरू करेंगे, रामायण में नहीं शुरू करेंगे। आपकी, मेरा क्वेश्चन आपकी कुरान है, मेरा क्वेश्चन आपकी कुरान है। रामायण में लिखा है, आप यूं ही सुन लीजिए, रामायण में लिखा है ना कि भगवान राम अपने जन्म स्थान से 150 योजन दूर जाके जल का आमचन किए। क्या किए भगवान राम ने? 150 योजन, 150 योजन समझते हैं ना? मैं समझता हूँ। तो 150 योजन दूर जाके, हाँ, भगवान राम ने जल का, सरजू के तट पर जल का आमचन किया, हाँ। यानी फाहियान ने कौन सी चौपाई है? सुन लीजिए, कौन सी चौपाई है? अब हम किताब नहीं, नहीं हम चौपाई बता रहे हैं, मेरे नहीं, प्लीज प्लीज सुन लीजिए। 150 योजन तो जानते हैं ना किससे? अरे हमने सुनो, 150 योजन छोड़ दो, सुन लीजिए, कहाँ पढ़ के आ रहे हैं? फाहियान गौरवाल जी, अरे फाहियान ने कहा रामायण में कौन सी? 150 योजन 18 किलोमीटर नापा भाई साहब, फाहियान ने 150 योजन 18 किलोमीटर नापा है भाई साहब। आज मंदिर कहाँ बन रहा है भाई साहब? के तट पर सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब इस पर योजन दूर का 18 किलोमीटर दूर आज भी। फजील साहब एक मिनट, फजील साहब, फजील साहब सुनिए, आप सब मेरी बात सुनिए, रामायण को तो मान, सर मेरी बात सुनिए, हम सुप्रीम कोर्ट को भी मानते हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, उस पर हम डिबेट नहीं कर रहे। दैट इज दैट डिबेट एंडेड, वहां भी ना दैट डिबेट एंडेड, वो डिबेट खत्म हो चुकी है, वहां राम मंदिर बन रहा है सर, इसलिए बोलते रहे। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, खत्म नहीं हो सकता वो बात। आप ये मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला है, हमारे साथ ना इंसाफी हुई है तो हम जीवन भर बोलते रहेंगे कि हमारे साथ ना 150 योजन मार रामायण कर रहा है 150 योजन। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें कोर्ट में जाएंगी। फिर आप देखिए, भगवान राम का जन्म मस्जिद के बीच गुंबद के नीचे हुआ था, तो बीच गुंबद के नीचे भगवान राम, फजील साहब राम मंदिर पर सुनिए कि बीच वाले गुंबद के नीचे भगवान राम, सुनिए मेरी बात, सुन मेरी बात कि उसी, अरे आप बोलते रहेंगे दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, आप बोलते रहेंगे दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो डिबेट होगी क्या? मेरी बात सुनिए फजील साहब, होल्ड ऑन, बहुत बोल लिया आप। That debate ended, सुप्रीम कोर्ट में बात हो चुकी है और जितने तर्क आपने दिए हैं आपसे ज्यादा तर्क वहां दिए गए हैं, आपको बोलने का अधिकार है। That doesn't mean कि आप जिस मुद्दे पर बात हो रही है उससे निकल के आप वहां चले जाएं। बिल्कुल तर्क में बोला जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूं यहां पर जब बात, पाबंदी लगा देंगे? मैं पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप सम्मान करते हैं कि नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते नहीं करते? अगर आपको दी जाती है, अगर आपको उस फैसले से दिक्कत है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालिए, मुझे कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, छोड़ दीजिए। दोनों समुदाय को सेटिस्फाई किया गया, मंदिर दे दिया गया हिंदू समुदाय को और 5
एकड़ जमीन मुसलमानों को दे दी। मंदिर बनना आए हमारे देश का संविधान, हमारे देश के प्रधानमंत्री पूजन करने जा रहे हैं, मस्जिद का उद्घाटन अब तक क्यों नहीं हुआ? देश की एकता और अखंडता के लिए हिंदू मुसलमान सबको चलना होगा, तब ये देश उन्नति। जवाब दीजिए एक मिनट स्वामी जी, हम लोग अभी हम और स्वामी जी लड़ेंगे, देश डूब जाएगा, पीछे चले जाएंगे। ठीक ठीक एक मिनट देवकीनंदन, एक मिनट मैम एक मिनट देवकीनंदन जी जवाब दे रहे हैं, आप लोग सुनने आए कि बहस करने आए? पहली बात तो यह है, भाई साहब ने वो रामायण नहीं बताई, वो स्थान नहीं बताया कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप से ज्ञान पकड़ लिया और बोल दिया। व्हाट्सएप नहीं, रामायण में लिखा है। रामायण में सुनिए, चुप रहिए, एक एक बीच में टोके, लिखा है वॉल्यूम 2 में भी लिखा है। अरे 112 नहीं, कौन से कांड में कहा? विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि डेढ़ योजन दूर जाकर के जल का आमचन करो, समय निकलता जा रहा है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों में लिखा है। आप कहेंगे, चूंकि मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं चीजों को अध्ययन करता हूं, और आप कहेंगे तो रामायण लेके बैठ जाएंगे आपके साथ। आपने बोल दिया, अजीज साहब जवाब तो ले लीजिए, आप जवाब तो ले लीजिए, और प्लीज मत बोलिएगा बीच में, बोलिए। असल में क्या है कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसी और मैटर पे, और ये ला रहे मैटर दूसरा। इन अब ये बात ठीक नहीं है कि आप बुद्ध और हिंदुओं को लड़ा दो तो बात ठीक नहीं है। नहीं, ये लड़ाई तो बात सुन लीजिए प्लीज, प्लीज फजील साहब कामरान साहब, नहीं अगर ये स्ट्रेटजी है, अगर ये स्ट्रेटजी है कि किसी को बोलने नहीं देना है तो वो भी नहीं बोलने देंगे। आप वो नहीं बोल रहे बीच में, तो आप भी मत बोलिए। मैंने आपको मौका दिया बोलने का। बात सीधी यह है कि अगर आपका कुरान भी कहता है कि आप मस्जिद को एक प्रे का स्थान मानते हैं, और प्रे का स्थान अगर हम लोग शिफ्ट भी कर दें, पर जन्म स्थान हम शिफ्ट नहीं कर सकते। कृष्ण वहां मथुरा में ही आए हैं, राम अयोध्या में ही आए हैं, काशी बाबा भोलेनाथ की कुरान में आपके पास को शिफ्ट कर सकते हैं। आप कुरान का हवाला दे रहे हैं, आपके ही मौलवी बोलते हैं, हमने तो नहीं पढ़ा। एक मिनट, क्यों हवाला दे रहे हैं उसका जब आपने कुरान नहीं पढ़ा? आप ही के मौलवी बोलते हैं। कौन मौलवी बोलते हैं? यूट्यूब पे तमाम पढ़े हैं। नाम बताओ एक मौलवी का। तमाम मौलवी बोलते हैं। एक मौलवी का नाम बताओ। आप जाके यूट्यूब ऑन कर लो ना। आप यूट्यूब ऑन कर लो। पेज पूछ रहे थे, मौलवी का नाम बताइए ना। मैं कह रहा हूँ आप यूट्यूब यूज कर लो। मौलवी का नाम बताइए आप। मैंने तो कुरान होगा ना। देखो मेरा इंटरेस्ट कुरान होगा ना किसी मौलवी से। मेरी बात सुन, मैं नाम भी नहीं जानता। बताइए ना, मेरा करवा दीजिए बस। देखो मैं नाम नहीं जानता। कुरान का नाम लेके मैं कुरान पढ़ा नहीं। कहाँ लिखा है कुरान? मैंने कुरान पढ़ा नहीं। तो फिर और ऐसे तमाम मौलवी दे क्यों रहे? आप गीता का हवाला दीजिए, रामायण का हवाला दीजिए, उपनिषद का हवाला दीजिए, वेदों का हवाला दीजिए। रामायण का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। आप उन्होंने रामायण बोलू करी, उसके लिए अधिकारी नहीं है। मैंने तो नहीं कहा कि मैं अधिकारी हूँ। मैंने कुरान पढ़ी नहीं, और मैं भरम मत फैलाइए लोगों में कि कुरान भी ये कहता है। अच्छा मेरी बात सुनो, न तो बातें कुरान की तरफ से मत फैलाइए प्लीज। न तो मैंने कुरान पढ़ी। आप कथाकार हैं, कथाकार। चलिए इस बार आगे बढ़ते हैं। आप कथाकार हैं, आप कहिए कि मैंने गलत कह दिया। क्या कह दिया? बोलिए कि मैंने गलत कह दिया। मैंने कुरान नहीं पढ़ी। तो हवाला दीजिए। मैंने कुरान नहीं पढ़ी। तो हवाला क्यों दे दिया? और मुझे भगवान कभी कुरान पढ़ने का मौका भी ना दे दिया भाई साहब। अच्छा इस बात से आगे नहीं चाहूंगा। एक मिनट एक मिनट नहीं देख लेंगे। मैं क्यों पढ़ूंगा कुरान? एक मिनट, अरे अरे सुनिए, दुश्मनी नहीं है। लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मेरे पास चारों वेद रखे हैं, रामायण रखी है, उसके बाद ही हाल है आपका। यही तो उसके बाद ही हाल है आपके अंदर। उसके बाद ही हाल है मुसलमान के कितने। उसके बाद ही हाल है आपके अंदर से निकल गया कि आप मुसलमान के कितने दुश्मन हैं। महाराज आपके अंदर से निकल गया, अभी क्या निकल गया? आपके मुसलमान के दुश्मन है अभी निकला है आपके अंदर से। मेरा कुछ है, मैं पूछूंगा। एक मिनट, इनका जवाब दे दूं। साजिद भाई नहीं, आप बात करेंगे। अरे आपने बोल दिया, कहता है मैं कुरान पढ़ना नहीं चाहता। आप ये नहीं पढ़ना चाहते? जवाब दीजिए अब सुन लेंगे। कुरान को इस्लाम मुसलमानों की जागीर नहीं। आप सुन लेंगे? कुरान पूरी दुनिया की किताब है। मेरी बात सुनो। एक मिनट सुनिए ऐसा नहीं होगा सर। आप मुझे बात करिए प्लीज। एक मिनट, आप लोगों में से कोई नहीं बोलेगा जब तक बोलने को ना कहा जाए। आप ठीक है, आप करने नहीं आए प्लीज, गरिमा बनाए रखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप मैं धमका नहीं रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपनी बात रखने के बाद सामने वाले को सुन लीजिए। मैं धमका नहीं रहा हूं। हां बिल्कुल, आपसे ख्याल रखिए। आप भी ख्याल रखिए सर। आप लगातार बोल रहे हैं सर। जवाब दो। मेरे कोई हेड टीचर नहीं है सर। मैं इस डिबेट का एंकर हूं। मैं जिसको बोलूंगा वो बोलेगा। भूमिका में रहिए। बोलिए जी, बताइए। आप एक एक करके बात करेंगे तो समझ में आएगी ना। सब साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ। बोलिए। मैं कुरान का आदर करता हूं पर कभी पढ़ूंगा नहीं। क्यों? मेरे पास पढ़ने के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र,
18 पुराण और रामायण सतकोट अपारा, अगर मैं इनको भी पढ़ लूंगा तो मेरा जीवन, इनमें से कुछ भी पढ़ लूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जो आदमी मेरी बात सुन लीजिए, आदमी मेरी बात को नहीं पढ़ सकता वो पता ही नहीं कर सकता कि मेरा धर्म अच्छा है कि नहीं। आदर करते हैं कुरान का तो क्या जरूरत है? नहीं नहीं सुनिए, ये कलमा पढ़वाएंगे मुझसे? नहीं पढ़ूंगा, ये कलमा पढ़वाना चाहते हैं। अगर मैं गीता को नहीं पढ़ूंगा तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आपका धर्म अच्छा है कि गलत है? आपने गीता पढ़ी है? पढ़ने से कोई मुसलमान थोड़ी हो जाता है। आपने गीता पढ़ी है? अरे कुरान पढ़ने से मुसलमान हो जाएगा आदमी? मुझे पढ़ना ही नहीं, पढ़ने से हिंदू हो जाएगा? अरे हमारे यहाँ दावत है पढ़ने में हिंदू है। अरे नहीं पढ़ना चाहते तो आपको, आपको नहीं, मैं हिंदू हो गया क्या? अरे मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ कहते हैं जबरदस्ती, अरे सुनो हमारे यहाँ, सुनिए सुनिए, आप लोग आपस में देखे यही पे डिफरेंस हो गए, आपस में डिफरेंस देखो, डिफरेंस नहीं है। मैं तो हमारे यहाँ कहते हैं मुस्लिम धर्म को नहीं पढ़ेंगे, आपको क्या पता चलेगा? अरे साजिद भाई तो आप ही बोलते रहेंगे तो दूसरे का जवाब कैसे लेंगे? छोटा सा जवाब, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। अग्रवाल जी, हमारे यहाँ कहते हैं जिस शहर में जाना नहीं है, जिस गांव में जाना नहीं, उसके किलोमीटर क्यों ना पूछने? तो मुझे जब जाना ही नहीं, मैं किलोमीटर क्यों पूछूं? चलिए, आस्था, भाईचारा, मिल मिलाप, मिल मिलकर रहना, ये हमें हमेशा से बताया गया है, सिखाया गया है, लेकिन क्या वो किसी धर्म विशेष के राष्ट्र में भी हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हिंदू राष्ट्र को लेकर देवकी नंदन भी बात उठाते हैं, बागेश्वर भी उठाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां भी उठाती हैं। और देखिए, बीजेपी तो उठाती रही है, कांग्रेस के नेता भी हिंदू राष्ट्र पर कुछ ऐसा कह रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र पर गेंद उल्टे विरोधियों के पाले में डाल दी, तो दिग्विजय ऐसी मांग करने वालों के खिलाफ मुखर दिखे। जल्दी से देखिए इन दोनों नेताओं ने कहा क्या। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही, 82% अगर भारत में हिंदू हैं, तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है? ये कहने की क्या आवश्यकता, ये तो आंकड़े बताते हैं। जो लोग भारतीय संविधान की शपथ लेकर आज पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। चलिए, केवल देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अब किस तरह से जहां हिंदू राष्ट्र पे बात चल रही है, कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर मंथन चल रहा है, वहीं विदेश में ब्रिटेन के पीएम जब एक मंच पर पहुंचे और कथावाचक मुरारी बापू के साथ वो वहां पर हुए, तो उन्होंने क्या कहा वो सुनाते हैं आपको। बापू, Jai Sri Ram. I am proud to be British, proud to be Hindu. Bapu, Jai Sri Ram. I am proud to be British, proud to be Hindu. चलिए, ये सब बातें हैं और पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन मैं सीधे देवकी नंदन महाराज के पास जाऊंगा। देवकी नंदन महाराज, ये तो ठीक है, बीजेपी हिंदू राष्ट्र को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने तमाम बातें की, अब तो कांग्रेस में भी इसको लेकर बात होने लग गई, मैं इस पर फंसूंगा ही नहीं। मैं तो देवकी नंदन महाराज से पूछना चाहता हूं कि उनकी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है, जल्दी से। देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब है राम राज्य की स्थापना। राम राज्य की स्थापना का मतलब है उस समाज में, उस राज्य में कोई किसी का दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। यह है राम राज्य की और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, कि जहाँ पर कोई भी किसी पर भी पूजा करने को न रोक सके, पूजा होती रहे, सभी माँ बहन बेटियाँ, जितनी बहन बेटियाँ यहाँ पर बैठी हैं, माताएँ बैठी हैं, ये रात्रि को भी अकेले जा रही हों, तो इनके ऊपर किसी दुष्ट की कुदृष्टि न पड़े, चाहे वो किसी भी समाज की क्यों ना हो। ये हिंदू राष्ट्र होने से हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र होने से होगा। कैसे, कोई मॉडल है आपके पास उसका? पूरा मॉडल है, अभी चर्चा शुरू होने दीजिए, पूरा मॉडल बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या क्या मॉडल है उसका? देखिए, क्या है, राम राज्य में या हिंदू राष्ट्र में या सनातन राष्ट्र में एक सबसे अच्छी बात है, कोई किसी से दुश्मनी नहीं करेगा, और जो कानून होगा वो सबके लिए बराबर होगा। जो कानून वहां छोटा बड़ा, अब भगवान श्री राम जहां पढ़ते हैं वहां उस प्रजा का आदमी भी पढ़ता है। तो आप कह रहे हैं कानून का राज होगा हिंदू राष्ट्र में? राम, भगवान राम से बड़ा कानूनज्ञ कौन है? उनसे बड़ा राजनीतिज्ञ, राजा
उनसे बड़ा कानून को जानने वाला, उनसे ज्यादा न्याय करने वाला। तो कानून की बातें तो आज भी हैं, आज भी चीजें कानून से तय होती हैं, फिर आज की आज से क्या दिक्कत है? जो अगर आज संविधान से चलता है हमारा देश तो क्या दिक्कत है? और अब जी प्रॉब्लम यह है कि मेरे लिए कानून अलग है, आपके लिए कानून अलग है, मंत्रियों के लिए कानून अलग है, संतरियों के लिए कानून अलग है, महात्माओं के लिए कानून अलग है, मौलवियों के लिए कानून अलग है। तो ये जितने अलग अलग हो जाएंगे उतने उतने जो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। जब एक देश, एक संविधान, एक कानून, सजा सबकी बराबर है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जब सबके लिए एक जैसा नियम होगा तो फिर सब पर बराबरी। एक आखिरी सवाल फिर उनके पास जाऊंगा। अभी भी संविधान सबके लिए एक है, क्रिमिनल कानून सबके लिए एक है, अभी भी पुलिस आईपीसी और सीआरपीसी जो भी है वो सबके लिए एक ही है, अलग कहाँ है किसी के लिए? नहीं, आप देखते हैं कि ये सब एक है पर एक जैसा प्रेजेंट में नहीं है। क्यों हम लोगों को अलग अलग कानून बनाने पड़ते हैं लोगों के लिए? सरकार ठीक काम नहीं कर रही। एक एक, एक, एक नहीं नहीं प्लीज फजील भाई, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैं आऊंगा तब बोलिएगा जल्दी से, मैं आ रहा हूं आपके पास, समय कम है, बोलिए। देवकीनंदन महाराज को बोलने दीजिए। अभी अभी क्या आप कह रहे हैं सबके लिए कानून एक नहीं है? आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जब मैं अभी बता देता हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि फिर वही वाली बात आ जाएगी कि, लेकिन जब आप प्रश्न करेंगे तो उदाहरण देना ही पड़ेगा। राजस्थान में एक स्थान है, मैं न नाम लूंगा ना कुछ लूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, जहां एक धर्म विशेष की 200-250 बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हुआ और हम सब जानते हुआ, लेकिन उस समय उनको न्याय क्यों नहीं मिला? बोले कि जो दोषी हैं वो एक धर्म विशेष है। अब देखो यहां पर मेरी भावना ये समझना, मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं जिससे कोई किसी को उल्टा और सीधा बोले, ये मेरी रिस्पेक्ट है। तो क्यों? क्योंकि अगर हम उस बात को उठा देंगे तो यहां पर सामाजिक दंगे हो जाएंगे, इसलिए 250 बच्चियों के रेप को दबा दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि नहीं तुम चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग जेल में थे। मुमताज एक मिनट फजील भाई आप बीच में आ रहा हूं, आपको बोलने का मौका, अरे सर आपको आप काट दीजिएगा अगर वो देखे आप इसी तूतू में समय चला जाएगा, आपको बोलने का मौका दूंगा, आप काट दीजिएगा उनको। मैं आपकी बात पूरी हो गई, मेरी बात पूरी हो गई, और इसीलिए जो हमारा राम राज्य है, राम राज्य में कोई धर्म विशेष की बात नहीं है। राम राज्य का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे, सब आनंद में। एक मेरा सवाल, फिर दिक्कत क्या है? कह रहे हैं सबका सम्मान होगा, सबको होगा। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि सबसे पहले तो इन्हें तो इस्लामिक नेपाल, एक मिनट जरा से रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए जरा से, सर उनको बोलने दीजिए, अभी तो आप फोटो खिंचवा रहे हैं, रुक जाइए तो बाद में कर लीजिएगा। प्लीज डोंट बी पर्सनल, डोंट बी पर्सनल। ऐसा है, अरे आप भी नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले आपको चाहिए कि नेपाल जो दुनिया का वाहिद जो है हिंदू राष्ट्र था वो क्यों खत्म हुआ, पहले उसकी स्टडी करनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप बहुत अच्छी बात करते हैं, मैंने कहा वाकई मैं आपको पसंद करता हूँ कि आप अच्छी बातें करते हैं जब कथा करते हैं, क्योंकि आपका अध्यात्म जो है वो जुड़ता है परमेश्वर से। आप हिंदू राष्ट्र की जब बात कर रहे हैं, 9 साल से यहाँ मोदी जी की सरकार है, 2017 से यूपी में योगी जी की सरकार है, अयोध्या में अब भव्य राम मंदिर भी बन गया है, इसके बावजूद सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां बलात्कार क्यों नहीं रुक रहा? क्या मंदिर जब इतना भव्य बन रहा है और वहां दर्शन के लिए भी टूटे पड़ रहे हैं लोग, तो ये जो बलात्कार है, ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये जो मर्डर रोज हो रहे हैं, ये क्यों नहीं रुक रहा है? हमें ये जवाब ठीक है, एक बार देख लेना जी, जवाब दीजिए, उसके बाद में दूसरा सवाल दूंगा। मैं इनको जवाब दे देता हूं। मुझे जो लगता है कि ये जो बलात्कार, रेप, हमारी बच्चियां सुरक्षित, इसके पीछे कोई भी देश का नेता इनको रोक नहीं सकता। कब तक नहीं रोक सकता? जब तक एजुकेशन सिस्टम सबके लिए बराबर ना हो जाए। वेरी गुड, आप एक बात समझ लीजिए, जब तक बच्चों को बचपन से ये चीजें न सिखाई जाएं कि ये रिस्पेक्ट का मामला है। आजकल जो एजुकेशन में सिखाया जाता है, 8वीं 9वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं,
इसको रोकना चाहिए और इसके तो एजुकेशन पर जाएंगे इस पर ये मुद्दा चेंज हो रहा है, ये मुद्दा चेंज हो रहा है क्यों एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम पर जाएंगे तो समाज अभी हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। एक मिनट हम कुछ दिखाना चाहते हैं, एक मिनट हिंदू राष्ट्र में कोई एजुकेशन रहेगा कि महाराज सुनिए ना, एक मिनट रुक जाइए, हिंदू राष्ट्र पे ही है, हिंदू राष्ट्र में कुछ, अरे मैं आपको सवाल पूछने का मौका दूंगा, कोई एजुकेशन रहेगा नहीं रहेगा, सबके लिए चारित्रिक एजुकेशन होना चाहिए, लड़कियां जाएंगी एक साथ, लड़के लड़कियां पढ़ेंगी कि नहीं पढ़ेंगी, अरे मदरसों की तरह नहीं रोकेंगे हम लड़कियों को, उनको भी पढ़ाया जाएगा, साथ पढ़ेंगी नहीं मदरसे में नहीं जाएगा, उन्हें पढ़ाया जाएगा, इससे भी नहीं, सवाल पे आते हैं मुमताज जी, मुमताज भाई आपके सवाल पे आते हैं, देवकिनंदन जी एक आपके सवाल पे आते हैं, आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं पढ़ेंगे, रुके अरे ये देखिए ये फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, ये दिखाइए जरा फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, दिखाइए जरा एक मिनट एक मिनट, ये देखिए फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, देखिए फारूक अब्दुल्ला आप काहे, सुनिए तो आप एक मिनट बहस नहीं, एक मिनट सुनिए 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 एमएस उठाइए, मोरे शान मोरे राम कब आओगे मोरी गली मेरे राम मोरे राम, इसने सबसे ज्यादा लिखा है भाई, मैं देवकिनंदन जी आपसे सवाल लेता हूँ, ये रामधुन गा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती शिव मंदिर में जाती हैं, कमलनाथ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, और कितना हिंदू राष्ट्र चाहिए अब आपको? आप कल्पना करो इस बात की, जब अभी हिंदू राष्ट्र की चर्चा ये हुई है तो इस तरीके का माहौल होने लगा है, जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब कितना आनंद आएगा, ये माहौल ने देखिए नजीर गुरु जी आपसे ये उम्मीद नहीं है मुझे, नजीर अकबराबादी को तो आप जानते होंगे, आप ही के यहां के हैं जी, कितनी नज़में भक्ति लिखी है, कितना ज्यादा लिखा है, तो फिर उन लोगों पर क्या कहेंगे फजील भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारे यहाँ काले खां की रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ ये क्यों कर रहे हैं कि अभी जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तब ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान में हमेशा से हो रहा है, आप अमीर खुसरो से लेकर के सुनिए, अमीर खुसरो से लेकर के वली दकनी, जब खत्म हो जाए मुझसे, नजीर अकबराबादी और अल्लामा इकबाल तक, अल्लामा जिनके नाम के लगा है उन्होंने भी भगवान राम को इमामुल हिंद का है, अल्लामा इकबाल ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग की थी महाराज, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, अल्लामा अल्लामा इकबाल नहीं पाकिस्तान की बात की थी धर्म के नाम पर, एक मिनट नहीं आप लॉजिकल जल्दी पूरी कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए, आखिरी बात तो कर ले लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताइए हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा मंदिर है, कौन सा ऐसा थाना है जहाँ मंदिर नहीं, कौन सा ऐसा असलाह अब तक बना है जो हिंदुस्तानी नाम पर ना हो किसी मुगल के नाम पर हो, कौन सा ऐसा ऑफिस है जहां पे आप बताइए देवी देवताओं की तस्वीरें न लगी, ठीक है अब इतना समय नहीं दे सकता मैं, जल्दी से जवाब 20 सेकंड, देखिए सबसे अच्छी बात यह है अभी आपने कोई क्लिप दिखाई उस पे मैंने जवाब दिया, आप उससे मेरे पूरे विचार को एकदम टूट पड़े, आप नहीं, एक बात बताइए सुनिए प्लीज, हमने मुमताज भाई रसखान का आदर आज भी हमारे मंदिरों में रसखान के भजन में, कथा में रसखान के भजन गाता हूँ मैं, काले खां के भजन गाता हूँ, क्यों गाता हूँ अल्लाह सुभान, नहीं क्यों गाता हूँ, क्यों गाता हूँ, वो कभी भी किसी भी युवा पर ऐसा जोर नहीं देते कि तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो, ठीक है, उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट की और उन्होंने कृष्ण के तत्व को जाना, उन्होंने उस कृष्ण को जाना कि कृष्णात परम किमपि तत्व माम न जाने, नहीं 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 जान के उस लग किया, कोई जब मुमताज भाई, मुमताज भाई समय कम है रुकिए, इसलिए उनको हमने कहा, ठीक है ठीक है, मैं हाजी भाई आपसे सवाल लेता हूँ, ये बताइए मुझे, ये तो कह रहे हैं ठीक है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला रामधुन गाते हुए, हमने देखा महबूबा मुफ्ती जब मंदिर में गई तो कितने इस्लामिक विद्वानों ने उसका विरोध किया, कई बार फतवे जारी हो जाते हैं जो हिंदू धर्म का कुछ अगर वो भजन गा लेते हैं या हिंदू धर्म के भगवान की तारीफ कर देते हैं, तो उन लोगों पर आप क्या कहेंगे? देखिए महोदय अल्लामा इकबाल जो है दुनिया में जो शायरों में नंबर वन के शायर हैं, वो कह रहे हैं राम के वजूद पे हिंदू सितां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद, हमारे यहाँ मुखालफत नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब यही है कि हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहे, ईद मिलन होली मिलन दिवाली मिलन एक साथ हुआ करता था, जयंतियों अच्छा, मैं आप एग्जांपल दूं आपको, मैं आपको एग्जांपल दूं, सलमान खान अपने यहाँ गणपति लाते हैं फतवा जारी हो जाता है उनके खिलाफ, सुनिए मेरी बात, हिना खान जब सारा अली खान जब किसी मंदिर में जाती है उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है, ये क्या है, अगर आप दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं तो ये क्या है? वो कर रहे हैं उनका पर्सनल मामला, फतवा लेंगे तो फतवा आलिम जो देगा वो इस्लाम के अतबार, दोनों अलग अलग चीज है, फतवा मतलब क्या है? देवकिनंदन जी से एक बात, नहीं नहीं मैं ये मेरा नहीं 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 देवकिनंदन जी से नहीं, एक मिनट रुके रुके मेरा सवाल सुनिए,
फिर वो लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठकर मुस्लिम और हिंदू भाईचारे की बात कर रहे हैं ना, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो आपको गलत लग रहा है। जो लोग जो मुस्लिम हिंदुओं की बात करते हैं उसमें जिन लोगों को गलत लगता है उस पर आप क्या कहेंगे? इसी सवाल पर हमारा राष्ट्र जब आजाद हुआ, हिंदुस्तान की आजादी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने सबने कुर्बानी दी है, और जब ये राष्ट्र बना तो इसकी थीम भी सेकुलरिज्म पे, हिंदू राष्ट्र पे नहीं है, इसलिए ये हिंदू हमारे संविधान के खिलाफ है। हम ये कहेंगे यकीन हो के ना हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूसरी दूरियों की सियासत किसी ऐसे तैसे की है, ऐसे नहीं कहा जाएगा कि हमारे मुल्क को हिस्स को तोड़ दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, देवकी नंदन जी ने पिछले 9 साल में हमारे यहाँ बलात्कार हुए, हमारी जो जिन्होंने झंडा फैलाया बहनों ने, हमारी बेटियों ने पूरे भारत के स्वर्ण पदक लाई, उनको 2.5 महीने बैठी रही, इन्होंने क्या कहा? क्या ऐसा राम जो मणिपुर में औरतों को नंगा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा राम देवकी नंदन जी उसके लिए जिम्मेदार है? देवकी नंदन जी जिम्मेदार, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? देश में जवाब देवकी नंदन जी, जिसमें नफरत हो, जवाब जवाब नाम पे लोगों को मार दिया जाए, ऐसा राम जवाब देवकी नंदन जी जवाब। देखिए, रामराज इसलिए जरूरी है कि जो मणिपुर में हुआ देवियों के साथ वो ना हो। रामराज इसलिए जरूरी है कि जो अभी आपने जैसे कितना अच्छा जवाब दिया, मैं नहीं करना चाहता था, आपने उनको क्वेश्चन किया, आंसर नहीं मिला। एक व्यक्ति रामायण के राम के गीत गाता है, एक कन्या है जिसने भगवान शिव के ऊपर गीत गाया था, कितने फतवा जारी हो गए थे उस पर? कहाँ चला गया था भाईचारा? कहाँ चला गया था भाईचारा? फतवा मांगेंगे, फतवा देगा, दिया जाएगा। बात जो आपकी आस्था है वो कह रही है, वो आपकी आस्था नहीं है। सोशल बायकॉट हो जाता है राजीव भाई, रुकिए, जवाब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सिगरेट पीना हानिकारक है, सिगरेट में लिखा हुआ है, लेकिन पी रहे हैं अब जो अब बताइए, समय बहुत कम है। देवकी नंदन जी का जवाब पूरा की बात है, रुकिए रुकिए रुकिए, सुनिए भाई, भगवान श्री राम के भजन को आप सिगरेट से उदाहरण दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल तो अच्छा दीजिए कम से कम। बता रहा हूँ कि इस्लाम में मूर्ति पूजा, सलमान खान बड़ा आदमी है तुम्हारे, सनातन धर्म में भी, और वो अगर सनातन धर्म में भी नहीं मूर्ति पूजा, क्या सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है? जबरदस्ती आप देश में थोप रहे हैं। आ जाओ आ जाओ अब आ जाओ, अब एक से प्लीज हाथ जोड़ के प्लीज, मैं इनका, जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कौन से मंत्रों का उच्चारण होता है बताएं आप? मंत्रों का कौन सा होता हुआ है? हमारे यहाँ तो अरे हम जो आपने आग लगा दी, आस्था ये है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। आप आग लगा के कम से कम देख तो लो कितनी लगेगी। नहीं आग नहीं लगाएंगे हम, आपने तो लगाई है लगाएंगे। हम आपने कैसे कह दिया कि आपने कैसे कह दिया वेद में आप चाह रहे हिंदू राष्ट्र में देश? सुनिए सुनिए मेरी बात, सुनिए 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 सुनिए, आपने आपने जो बोला सुनिए, खंडित करने की बात कर रहे हैं, समाधान की बात सुनिए, समाधान की बात सुन लीजिए, समाधान की बात सेकंड, इसी का जवाब। वेद के मंत्रों से ही भगवान के प्राण प्रतिष्ठा होती है। आज के बाद जब भी बोले इसको सोच समझ के बोलिएगा। प्राण प्रतिष्ठा 7 दिन चलती है और वो सारे वेद मंत्र हैं, तो इसलिए आज के बाद मत कीजिएगा वेद में नहीं है, है मत, हम उसको मैं कानून की नजर से पूछना चाहता हूँ। हाजी भाई आप ही सब बोलेंगे तो दूसरा कब बोलेगा? नहीं 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 नहीं, अब आप नहीं बोलेंगे, अब आप नहीं बोलेंगे, अब आप नहीं बोलेंगे, फिर आप क्यों कह रहे हैं वेद में मूर्ति पूजा नहीं? आप थोप रहे हैं देश पे, जी आपस में बात कैसे बोल रहे हैं? नहीं वकील हमारे साथ कानून के जानकार हैं और हिस्टोरियन हैं, दो लोग नहीं बोले अभी तक। पहले 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 कामरान जी बताइए, कानून की नजर में हिंदू राष्ट्र कैसे है? देखिए हमारा जो भारत है, मैं हिंदू राष्ट्र होने के फेवर में हूँ, मगर किस तरह का हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हमारे आप प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा होना चाहिए, मनमोहन सिंह जैसा होना चाहिए, और वो भगवान राम के रूप में आए और शासन करें और सबको इंसाफ मिले, और यही जो हमारा संविधान है उसी के हिसाब से चले। तो वही तो ये कह रहे हैं कि वहाँ एक संविधान होगा जहाँ सबको इंसाफ मिलेगा, यानी आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। एक मिनट रुकिए ना, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सर कह रहे हैं संशोधन के जगते स्कोप है, जहाँ पर कोई कमी है तो आप कामरान भाई ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र मैंने बोला कि हिंदू राष्ट्र ऐसा होना चाहिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने वो भगवान राम का रूप लेकर जो है प्राइम मिनिस्टर बने, और यही संविधान हो, और इस संविधान के अंदर अगर कोई कमी है तो महाराज जैसे लोग जो है मशवरा दें कि इस जो है कानून के अंदर ये परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, ये तो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र ऐसा होना चाहिए। एक मिनट आप लोग बोलिएगा, इतिहासकार बहुत देर से नहीं बोले। वेदव्रत जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर इतिहास क्या कहता है? किसी धर्म के बेसिस पर जब कोई देश खड़ा होता है तो वो इतिहास में क्या सिखाता है? दो बातें मैं बहुत क्लियर कर दूं। पहली बात कि हिंदुस्तान जो हमारा देश मुल्क है वो एंशियंट टाइम से हम जो है वी आर कॉल्ड मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमें हमारे अंदर कभी ये नहीं रहा, हमने किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा। आप अगर सिमेट्रिकल पेंट्स को देखिए, जो लोग दफनाए गए आज के 5,000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन में,
तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि राजा की जो कब्र थी वो ऊंचाई पे थी और सोने चांदी से भरी थी और आम इंसान की, सब एक साथ दफनाए गए, चाहे वो पुरुष हों चाहे स्त्री हों। हमारे यहाँ बराबरी का जो है जो आइडिया है वो आज का नहीं है, कोई मॉडर्न सोसाइटी का नहीं है, एंशियंट टाइम से है। जैसे कि महाराज जी बार बार कह रहे हैं सर्वे बंधु सुखिना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, हिंदू और मुस्लिम ये धर्म नहीं, किसी धर्म विशेष के बेसिस पर अगर कोई राष्ट्र खड़ा होता है तो इतिहास हमें क्या सिखाता है? यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है रिलीजन और धर्म। धर्म का मतलब होता ही है इसको आप धारण करते रहते, क्षमा नमस्तु में आप पेशेंस की बात, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप कोई भी राष्ट्र पर आइए। मैं देवकीनंदन जी, मैं देवकीनंदन बात करते हैं, मैं तो समस्या आती है। ठीक है देवकीनंदन जी, अभी तो एक हमारे सामने एग्जांपल था हिंदू राष्ट्र का नेपाल, अब वो भी नहीं है, लेकिन कुछ हमारे सामने एग्जांपल्स हैं जो धर्म के नाम पर देश खड़े हुए और आज उनकी क्या हालत है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, इस्लाम नाम के नाम पर जो देश बने, पाकिस्तान, जो देश जहां इस्लाम वो देश जहां पर इस्लाम का बहुत बोलबाला है, नाइजीरिया, सोमालिया, युगांडा, इराक, सूडान, मोरक्को, अजरबैजान, ये धर्म विशेष पर बने हैं राज्य देश, धर्म के बेसिस पर बने हैं और आज इनकी क्या हालत है। तो क्या आप चाहते हैं कि भारत भी धर्म के नाम पर, धर्म के बेसिस पर बन जाए और इन राष्ट्रों की तरह ही उसका भी फ्यूचर हो? आप एक बात पर विश्वास कर लीजिएगा, अगर हमारा भारत, जिसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, अगर हिंदू राष्ट्र हुआ, विश्वास मानिएगा, इस थ्योरी में जो थ्योरी आपने बताई है और जो थ्योरी सनातनियों की और जो हिंदुत्व की जो थ्योरी है, जो सनातन धर्मियों की थ्योरी है, वो जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, मैं धर्म का आधार देख रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने हिंदू राष्ट्र को लेकर अभी कोई उदाहरण है नहीं, एक था वो भी खत्म हो गया, खत्म, इसलिए मैं धर्म के नाम पर जो दूसरे देश बने उनका उदाहरण लेकर आया आपके लिए। देखिए, नेपाल खत्म हुआ या कर दिया गया ये प्रश्न है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में एक आप अपना इतिहास पढ़िए ना, आप अभी तो सनातनी है ना, आप हिंदू है ना, बिल्कुल हूं, आप एक सेकंड भूल जाइए, आप पत्रकार हैं, आप लोग अपने पूर्वजों को याद कर ले, मैं आज भी हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, एक इतिहास बताइए कि सनातनियों ने उसे मारकर उसके देश पर आक्रमण कर दिया और वहां उसे मारकर अपने आप के आनंद में रहना चाहते, हमारी वो थ्योरी नहीं है। हमारी थ्योरी है कि तुम भी खाओ और हम भी खाएं, तुम चैन से रहो हम चैन से रहें, तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे ग्रंथ सुरक्षित रहें, तो तुम भी सुरक्षित। नहीं सुनो ना, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है, वहां वो नहीं होता है कि हम गुरुद्वारे पर भी आक्रमण कर देंगे, हम मंदिर पे भी आक्रमण कर देंगे। अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चर्चों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, वो मुस्लिम जो कर रहे हैं, मणिपुर में कितने जल गए, अरे तीनों लोग एक साथ बोलेंगे, 25 मंदिर, तीनों लोग एक साथ बोलेंगे, एक मिनट, वो कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे की बात कर रहे हैं। हाजी भाई रुके, हाजी भाई रुके, रुके 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 आपने बड़ी अच्छी बात की, एक मिनट गुरु जी, अरे आप सब एक साथ मत बोलिए प्लीज, आपने बहुत अच्छी बात की और शुरू से कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, मैं वाकई बता रहा हूं, आप शुरू से बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अभी फिर आपने कही, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि फिर आप ठीक है, ये मस्जिदों की खुदाई बंद कर दीजिए, ठीक है साजिद दशरथ करके, एक हिंदू मैं आ रहा हूं फजी भाई, एक मिनट, बहुत देर से नहीं बोले, काशी, अयोध्या, मथुरा, ये सब में जय जयकार रखिए, तीन जगह खुदाई करवा लो, सब आनंद ही आनंद है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपसे, अरे वाह, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदाई पे खुदाई निकली आई तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी सर, एक मिनट सर, मत करो, अगर खुदाई प्रकट हो गई तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप जिस खुदाई पर जा रहे हैं, आप देखिए शब्द, आप किस खुदाई पर जा रहे हैं, एक मिनट रुके साजिद रशीदी, एक मिनट, साजिद देवकीनंदन जी, एक मिनट साजिद रशीदी, थोड़ा दूसरे मुद्दे पर आते हैं, हिंदू राष्ट्र में काफी शास्त्रार्थ थोड़ गया, उनका जवाब आ गया, उनका जवाब हो गया, अभी हमारे देश में जो आईपीसी है उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया जा रहा है, उसमें कुछ संशोधन, कुछ नए कानून जोड़े गए हैं, लव जिहाद को लेकर उसमें कहा जा रहा है लव जिहाद को लेकर उसमें एक कानून है जिसमें नाम बदलकर, पहचान बदलकर शादी करने या फिर संबंध बनाने पर कड़ी कार्रवाई होगी, इसको आप कैसे? देखिए, इस्लाम में शादी से पहले किसी लड़के लड़की का मिलना भी जायज़ नहीं है, नाम बदल कर मिलना ये तो और भी बड़ा पाप है, ये तो और भी बड़ा पाप है, इसको इस्लाम जायज़ नहीं समझता। मैं इसीलिए तो कहता हूँ इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को समझो, इस्लाम है क्या, इस्लाम को लोग पढ़ते नहीं दुश्मनी में कि मैं क्यों पढ़ूंगा इस्लाम को, क्योंकि दिल में है कि नहीं इस्लाम को नहीं पढ़ना, इस्लाम बुरा मजहब है। जब तक हम किसी के पास नहीं बैठेंगे, किसी के साथ सफर नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा आदमी कैसा है, हमें सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी
मेरे सामने बहुत सारी एफआईआर हैं, जिसमे मुस्लिम लड़कों ने नाम बदलकर हिंदू लड़कियों के साथ गलत काम किया और उन पर कानूनन केस हुए हैं। कितनी एफआईआर केस हुए हैं आप उसमें? एफआईआर हुआ, अच्छा हुआ, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी सऊदी अरब में था, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक 10 रियाल किसी का गिर गया और हजारों लोग थे वहां, किसी भी आदमी ने उसको छुआ तक नहीं। मेरे पास वीडियो है उसकी, और हर आदमी उसको साइड कर रहा था, हाथ नहीं लगाया। तो आपके पास सऊदी अरब का मॉडल है इस देश के लिए? मैं मॉडल नहीं, मॉडल आपने एग्जांपल दिया, आपके पास सऊदी अरब का मॉडल है इस देश के लिए? बात सुन लिया करो यार, व्यूअर्स को अच्छी बात जानी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। अभी देवकी नंदन ठाकुर ने एक बात कहते कहते बीच में चबा गई है, इनको ये कहना चाहिए था कि हमारे देश की जो सरकार है वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं कर पा रही है। हमारे जो कानून है वो सही है बिल्कुल, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं। सऊदी अरब में कानून को कानून समझा जाता है, वहाँ राजा के लिए भी वही कानून है और एक आम आदमी के लिए भी। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, आप सऊदी अरब की मिसाल दे रहे हैं, तो सऊदी अरब का मॉडल लागू होगा इस देश पर? तो जवाब, अभी आप कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, धर्म के नाम पर कोई देश नहीं खड़ा होना चाहिए, सेकुलर है। सऊदी अरब का एग्जांपल दे दिया आपने। मेरा एक क्वेश्चन है, सऊदी अरब में संविधान का मानना होता है या इस्लाम धार्मिक तौर पर वो देश चलता है? मुझे सिर्फ ये जानना है, अभी मुझे पता नहीं है, सिर्फ बता दे, आप ही में से बता दे। वो जैसे आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना, ऐसे ही वो इस्लामिक राष्ट्र है। इस्लामिक राष्ट्र है जस्ट। अब आ गई बात सामने, आ गई बात समझ में, सऊदी अरब का वो 10 वाला ही क्यों दिखाया गया? आ गई बात समझ में? इसका मतलब है हम लोगों की जो पीड़ा है, हम लोगों का जो भय है, हम लोगों का जो संकट है, अरे मेरी बात सुन ली, संसार कर दिया जाता है, चोरी करने पर हाथ काट दिया जाता है। वही चाहते हैं इस देश में हो? हाँ। और क्या है? और किस लिए बता रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? और किस लिए बता रहे हैं? और किस लिए बोल रहे हैं इस बात को? पैसा वाला है नहीं, तो आप चाहते हैं साजिद रशीदी की यहाँ लोगों के हाथ काट दिए जाएं? आप ये कह रहे हैं लोगों को संसार कर दिया जाए? आप कामरान भाई एक मिनट, कामरान एक मिनट रुके, तो यहाँ पर अब कानून के तहत हाथ काट दिया लोगों के चोरी करने पर? नहीं, रुके, सऊदी अरब बताइए, हमारा जो संविधान है, हमारे जो कानून है, वो हमने जो इनकॉर्पोरेट किए हैं वो वेलफेयर स्टेट से इनकॉर्पोरेट किए हैं, हमने ब्रिटेन से जो है कहते कानून इनकॉर्पोरेट। नहीं, वो तो सऊदी अरब का मॉडल दे रहे हैं, मैं लोगों के पास जा रहा हूं। राव जी रुके, कानून मॉडल रुके, यहां लोग कहना चाहते हैं कुछ, क्या कहना चाहते हो भैया बताओ? एक मिनट, क्या कहना चाहते हो? सर, इतिहास बढ़ा है कि कानून बढ़ा है, आप किसे मानते हैं? कानून ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना यही है कि भाईचारा निभाएं, जो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं उस बात को माने। ठीक है मैम बताइए। जहाँ भी आस्था होती है उसका कोई इतिहास होता है, और वो दंत कथाओं से, लोक कथाओं से चलता है। अभी मैं एक, आपने कितनी जल्दी मैम जल्दी, अभी एक वो था कि हिंदू राष्ट्र के ऊपर कहा आपने, आज़ादी से पहले मलकाए तरन्नुम नूरजहाँ ने गाना हमजोली पिक्चर में 1946 में गाया है, ये देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान जहाँ से न्यारा, हिंदुस्तान के हम है प्यारे, हिंदुस्तान हमारा प्यारा। ठीक है मैं बोलिए सर, मैं कहना चाहता, थोड़ा टाइम मिलेगा सबको। जो तीन मतलब मंदिर का जो हम कह रहे हैं, वो भाईचारा आप निभाइए, आगे हम लोग भाईचारा अपना निभाएंगे। वो आप भाईचारा निभाइए मथुरा काशी अयोध्या पे, बाकी भाईचारा निभाएंगे। ठीक है, कई बार ठीक है, ठीक है, एक मिनट समय मैं पास समय कम है देवकी नंदन जी, क्योंकि जामा मस्जिद के विवाद से इस बहस की शुरुआत हुई थी इस कार्यक्रम की, उसकी जांच मतलब क्या होने जा रही है, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हमारे वकील ने आज पेपर तैयार किए, हम यही कह रहे हैं कि उसकी जाँच जरूर हो जाए, अगर वहाँ ठाकुर जी हैं, पूरी मस्जिद का मामला ही नहीं है, पूरी मस्जिद का मामला नहीं है, सिर्फ सीढ़ियों के नीचे अगर, क्योंकि इतिहास कहता है, मुस्लिम इतिहासकारों ने इस बात को बड़े ढंग से लिखा है, माजरे आलमगिरी आप सब जानते ही, और तमाम किताबों में लिखा है। आलमगिरी फारसी में लिखी है, आपने कहां से पढ़ी? देखो सुनो, अभी मेरी बात खत्म होने दो, मेरे पास हिंदी से पढ़ ली, मेरी हिंदी वाली हिंदी अनुवाद है। एक मिनट रुके, हिंदी सरकार ने किया हुआ है, अरे माजरे आलमगिरी का अनुवाद हुआ है ना, वो तो अवेलेबल है सर, बोले उसका अनुवाद हुआ है, उसका पर्शियन ट्रांसलेशन अवेलेबल है सर, उर्दू जानते हैं ना फारसी जानते हैं, अरे तो वो किसी से बातचीत कर सकते हैं ना? अरे बिल्कुल नहीं पढ़ी,
रघुनाथ सरकार ने देखो मेरी बात उर्दू में सिर्फ ये पता है। चलिए मतलब साफ है, मतलब साफ है यहाँ पर, मतलब साफ है, मतलब साफ है। सार्थक बातें करने समय आपको दूसरे को बात में फंसाना नहीं है, और शायद दुर्भाग्य से वही होता दिख रहा है। शास्त्रार्थ होना चाहिए था, बहस नहीं।